हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर को बनाने के पीछे जो मेरा एक कंसेप्ट है वो बहुत ही सिंपल सा है। और वो क्या है? रफ़ी सर चाहते हैं कि आपको केमिस्ट्री आसानी से और जल्दी जल्दी आ जाए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने अमीर गरीब वाले ट्रिक से। वो क्या है, ध्यान से देखो कि ये ट्रिक्स के पीछे लॉजिक क्या है, कि इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यू कैन से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कंसेप्ट आपको रिएक्शन में भी यूज होंगे। एसिडिक बेसिक ऑर्डर निकालना होगा तो भी, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना होगा तो भी, तीन जगह पे सबसे ज़्यादा ये यूज़ होंगे, राइट? तो उसी को मैंने अपने सिंपल ट्रिक्स में लिया है। देखो ट्रिक्स का पॉइंट क्या है उसको पहले समझ ले, क्योंकि रफ़ी सर को कंसेप्ट पाहिजे, राइट? कैसे समझो, ध्यान से देखो। कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल, बेसिक ऑर्डर या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बेस का KB, बी फॉर बेस और K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट? तो ये सब के सब को मैंने क्या माना है कि ये बेगर है। कैसे कनेक्ट किया, ध्यान से देखो। बी फॉर बेसिक, बी फॉर बेगर। पुअर इसको क्यों बोला? कार्बोकटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब गरीब है। फ्री रेडिकल अभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, साथ ही इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो ये पुअर हो गए। बी फॉर बेगर, बी फॉर बेगर। तो इन सबको हमने क्या माना है कि ये पुअर पर्सन है। अब तुम खुद ही सोचो, तुम्हारा माइंड एक कदम आगे चला गया होगा। कैसे? कि अगर ये पुअर पर्सन है तो ऑब्वियस ही बात है इसको कौन हेल्प करेगा? जो डोनर होंगे। डोनर कौन है? प्लस एम ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, राइट? आपको पहले बता रखा हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, पहले वीडियो लेक्चर में मैं बता रखा हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन हो जाएंगे? जो प्लस एम शो करेंगे या हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे या प्लस आई, वो सब क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। डेट मीन्स वो लोग अमीर है, तो अमीर गरीब को हेल्प करेगा, और वाइस वर्सा बोल सकते हैं, गरीब अमीर से हेल्प लेगा। बस इसी पे मैंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपका कंप्लीट किया है। तो ये पूरे पुअर हो गए, तो अभी सी बात है इसको कौन सपोर्ट करेंगे? पहले रिच पर्सन। रिच पर्सन में सबसे पहले कौन आएंगे? डोनर वाले, प्लस, इसलिए प्लस लगाया। प्लस मतलब जो डोनर है, डोनेट कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज या सबसे ज़्यादा जो इसको हेल्प करेगा वो प्लस है, राइट? क्योंकि रेजोनेंस है। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद प्लस आई। यहाँ पे एन मतलब कोई ग्रुप ही नहीं लगाया, मोह माया से दूर वाले, कोई ग्रुप नहीं लगाया, तो वो माइनस आई सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपोज कर रहे हैं, बट उतना अपोज नहीं करेगा जितना आपका माइनस एम करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हमें कैसे पता लगेगा? तो वेरी सिंपल, MHI आपको याद रखना है। MH इज कोड वर्ड फॉर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इंडिया में है, डेट्स इट। डेट मीन्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मिजोमेरिक होगा, देन हाइपर कंजुगेशन होंगे, देन इंडक्टिव होगा। नाउ सिमिलरली, जैसे कार्बेनाइन का अगर आपको स्टेबिलिटी पूछे, एसिडिक का ऑर्डर पूछे या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड का ऑर्डर पूछे, ये तीनों में से कोई भी पूछ ले, कार्बेनाइन, एसिडिक और के, तो ध्यान से देखो, कार्बेनाइन मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसलिए मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, रिच, अपने आप उससे कनेक्ट कर दिया। या फिर एसिडिक, ए फॉर एसिडिक, ए फॉर अमीर, के ए फॉर अमीर, तो ये लोग क्या है, अमीर लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास कौन आएंगे, जो गरीब होंगे हेल्प के लिए, राइट? गरीब कौन होंगे? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, माइनस वाले, राइट? कर्ज लेने वाले। तो इसीलिए सबसे पहले कौन स्टेबलाइज करेगा इसको? माइनस एम ग्रुप सबसे पहले स्टेबलाइज करेगा, फिर माइनस आई, फिर न्यूट्रल मोमाया से दूर वाले, फिर ये अपोज करेंगे लेकिन कम अपोज करेंगे, प्लस आई, हाइपर कंजुगेशन, एंड सबसे ज़्यादा अपोज कौन करेगा आपका? प्लस एम। और इस चीज़ को मैंने यहाँ पे क्लियर भी किया आपको, जो ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में है आप उसको देख सकते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कौन प्लस एम है कौन माइनस एम है, वो भी मेरे सिंपल ट्रिक से। तो माइनस लगाने का मतलब है कि वो क्या कर रहा है, कर्ज ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है अगर ये खुद क्या हो गए, पुअर हो गए एक तरह से, तो ये किसके पास जाएंगे, रिच के पास, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अगर मान लो कि ये भी रिच हैं और ये रिच वाले चले गए तो क्या होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, राइट? कोई आदमी ऑलरेडी अमीर है तो अमीर से हेल्प लेने नहीं जाएगा, राइट? उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो कहने का मेरा देखो सिंपल सा मतलब है कि ये चीज़ें मैं कनेक्ट कर रहा हूँ डे टू डे लाइफ से, क्योंकि ये चीज़ें आप फिर कभी भूलोगे नहीं, राइट? तो वेरी सिंपल, पुअर अमीर के पास, अमीर गरीब के पास, सिंपल, राइट? एक और पॉइंट है कि जो आपका KB है,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस वो जितना ज़्यादा होगा पी के भी उतना कम होगा, मतलब ये दोनों इन्वर्स में चलेंगे। तो कभी कभी आपको के बी का ऑर्डर ना पूछ करके पी के बी का पूछ देता है, तो ध्यान रहे आप पहले बेसिक का निकाल लें और उसका उल्टा कर दें। वैसे ही अगर के ए का पूछा तो फिर तो वही ऑर्डर रहेगा यही वाला, लेकिन अगर पी के ए पूछा तो आप इस ऑर्डर को निकाल लें उसके बाद उल्टा कर दें, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली चलते हैं। तो चलिए, हमने जो आपको ट्रिक्स दिया है अमीर गरीब वाला, तो वो कहाँ कहाँ हम अप्लाई करने वाले हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपका यूज होगा वो एसिडिक या बेसिक ऑर्डर निकालने में, जो कि इस वीडियो लेक्चर का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज मैं सिर्फ इसी को एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी, कार्बन आयन स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी का ऑर्डर, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे ये ग्रुप अफेक्ट करते हैं। और उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थर्ड वीडियो लेक्चर में, आपको रिएक्शन ऑर्गेनिक की जितनी रिएक्शन है उसको रटना नहीं है, वो मेरे सिंपल ट्रिक से होगा। और उसमें भी सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जब बेंजीन रिंग पे एरोमेटिक रिंग पे अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करना होगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा, कहाँ पे आएगा, वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने एसिडिक और बेसिक के ऑर्डर को कैसे हम करेंगे। तो चलिए, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि एसिडिक ऑर्डर और बेसिक ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम वाया एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। तो देखो, एसिड के बारे में पहले हम कुछ पॉइंट जान लें कि यूनो एसिड वो होते हैं जो H प्लस डोनेट करते हैं, राइट। H प्लस डोनर जो होंगे वो एसिड होंगे। तो देखो, H प्लस डोनेट करने के बाद, निकालने के बाद जो लेफ्ट होगा, जो बचेगा, वो एक्चुअली क्या बनेगा, एनायन बनेगा, राइट। इसलिए हम इसको अमीर बोले थे, राइट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन से हाइड्रोजन को आपको हटाना है, तो वो हाइड्रोजन जो डायरेक्टली फ्लोरीन से अटैच हो, या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाते हैं। या फिर एसपी कार्बन से भी अगर अटैच हो टर्मिनल वाले, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन कहलाते हैं, राइट। ध्यान से देखो, ऑलवेज जो रिएक्शन प्रोसीड होती है वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ होती है। स्ट्रॉन्ग से वीक एसिड अगर बन रहा है तो ये रिएक्शन हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन कहीं पर अगर आप ये देख पा रहे हो कि वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, तो ऐसी रिएक्शन फिर नहीं होंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, यूज होता है वैसे एप्लीकेशन में लूंगा भी। ऑलवेज स्ट्रॉन्ग से वीक बनेगा, वीक से स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। और एसिड का कंजुगेट को क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। एसिड का कंजुगेट बेस होता है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये एसिटिक एसिड है, तो इससे एक H प्लस मैं निकाल दूंगा, ये एसिटिक हाइड्रोजन हो गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच है, फोन से, राइट। तो इसका ये एनायन बना, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस। एसिड का कंजुगेट बेस होता है, राइट। और आप कैसे पहचानेंगे कि कौन एसिड है, कौन कंजुगेट बेस है? तो सिंपली एसिड में एक हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक में डिफरेंस क्या है, एक हाइड्रोजन का। ज़्यादा हाइड्रोजन वाले में एसिड लगेगा, कम हाइड्रोजन वाले में आपका कंजुगेट वर्ड लग जाएगा। तो एसिड का कंजुगेट बेस होता है। और एसिड हेच प्लस डोनर होते हैं, वो यहाँ से भी समझ आ रहा है कि हेच प्लस इसने डोनेट किया, तो बचा जो एनायन, ये बचा, इसकी स्टेबिलिटी, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, आप ही सोचो, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ये उतना आगे आने की कोशिश करेगा, राइट। तो डैट मीन्स हेच प्लस के जाने से इसको फिर फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आगे स्टेबिलिटी मिल रही है, तो फिर ये ईजिली देंगे, तो वो एक अच्छा एसिड होगा, उसका के ए ज़्यादा होगा, पी के ए कम हो जाएगा, राइट। वैसे ही बेसिक में अगर हम बात करें, तो ऑर्गेनिक में बेस का मतलब यहाँ पे जनरली 99% वो होते हैं जो लोन पे डोनेट करें। यहाँ पे OH- से हम नहीं लेते हैं, राइट, जो लोन पे डोनेट करें। और लोन पे डोनेट करने के लिए ऑब्वियस बात है, लोन पे उसके पास क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, रेजोनेंस में वो नहीं जाना चाहिए, राइट, घूमना फिरना नहीं चाहिए। दूसरा, जनरली वही पॉइंट लिखा है कि नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में हम बात करेंगे इस ऑर्गेनिक पॉइंट में। और स्ट्रॉन्ग बेस से ऑलवेज वीक बेस की तरफ रिएक्शन प्रोसीड हो जाएंगी, ईजिली हो जाएंगी, स्पॉन्टेनियस होंगी। बट वीक बेस से अगर स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, तो ऐसी रिएक्शन फिर नहीं होंगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी। सिमिलरली बेस में अगर एक H प्लस आप ऐड कर देते हो, तो जो बनेगा उसका नाम हो जाएगा कंजुगेट एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, आप देख सकते हो। तो बेस का कंजुगेट एसिड होता है, एसिड का कंजुगेट बेस होता है। दोनों को पहचानेंगे कैसे, तुमने पहले बोला एसिड वर्ड उसी में लगाना जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन हो, तो उससे कम वाले में बेस वर्ड लग जाएगा, राइट। तो चलिए, मैंने कुछ प्रॉब्लम लिया है उस ट्रिक्स को समझाने के लिए। जैसे पहले वाले में प्रॉब्लम में आपसे पूछा जाएगा कि एसिडिक ऑर्डर बताएं इसमें,
तो देखो एग्जाम में आपको कैसे क्विकली करना, अगर आप ध्यान से देखो तो इतनी चीज़ सब में कॉमन है, राइट। यहाँ तक सब में कॉमन है, वो आपको देख के पता लग जाएगा सब फिनॉल है। तो इसलिए एसिडिटी की बात क्या है, क्योंकि ये सब हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके जाने से ऑक्सीजन पे माइनस आएगा और जो रेजोनेंस में जाएंगे स्टेबलाइज होंगे। तो अब हमें ग्रुप का इफेक्ट देखने, यहाँ कुछ ग्रुप नहीं है तो कौन है, बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन है, राइट। तो आपको एसिडिक पूछा मतलब क्या, अमीर पूछ रहा है, तो हमने क्या ट्रिक दिया था, अमीर है तो सबसे पहले किसको सर्च करना है, गरीब को, गरीब मतलब माइनस एम को, राइट। तो ये वाले ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट हो जाएगा NO2। क्या ट्रिक दिया था कि पाई बॉन्ड होना चाहिए, एन और ओ के बीच पाई बॉन्ड है, उसके बाद इसके पास लोन पेयर है, राइट। अगर जो बेंजीन रिंग से जो एलिमेंट अटैच है उसके पास लोन पेयर है तो प्लस एम, राइट। ये CH3 का यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो हाइपर कंजुगेशन HC, और इसका न्यूट्रल मोमाया से दूर कोई इफेक्ट नहीं। तो अभी सी बात है, आपको मालूम है सब एसिडिक में सबसे पहले कौन आएंगे, माइनस एम, राइट। फिर माइनस आई वाले इसमें कोई नहीं है, फिर न्यूट्रल वाले, तो न्यूट्रल वाले ये फोर्थ वाले, फिर प्लस आई वाले तो वो थे नहीं तो हाइपर कंजुगेशन, लास्ट में प्लस एम वाले। तो इसलिए ऑर्डर क्या रहेगा आप ही बता दो, ऑर्डर वेरी सिंपल है, राइट। सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका कौन हो जाएगा, वन ड्यू टू माइनस एम, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद थ्री और लास्ट में टू। तो इस टाइप से चार ऑप्शन गिवन होंगे, आपको सबसे ज़्यादा मालूम है, सबसे कम मालूम है या दो का मालूम है तो आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हो इलिमिनेट करके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बेसिक ऑर्डर पूछा जा रहा है कि बेसिक का क्या होगा, ये जस्ट मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि लगाना कैसे पॉइंट को, राइट। इस टाइप के आपको बहुत सारे PYQs मिल जाएंगे। तो बेसिक अगर ऑर्डर आपको पूछा जाए तो आप फिर से ध्यान से देखो तो इतनी चीज़ें सब में कॉमन है, राइट। और बेसिक ऑर्डर में बताया था कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होता है उसको देने की बात होती है, यहाँ पे सभी नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं, राइट। बट ग्रुप के इफेक्ट्स अब हम डिसाइड करेंगे, यहाँ पे यू नो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये प्लस एम शो करेगा, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन शो होगा, यहाँ पे आपका माइनस एम क्योंकि सी ट्रिपल बॉन्ड है पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं तो एच है तो नो इफेक्ट, राइट। बी फॉर बेस, बी फॉर बेगर, पुअर, तो पुअर किसको सर्च करेगा, डोनर को, प्लस एम वाले को, प्लस एम वाले यहाँ हैं तो ये सबसे ज़्यादा, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर मोमाया से दूर वाले, लास्ट में माइनस एम। तो अगर मैं इसको 1, 2, 3, 4 एज्यूम करूँ तो सबसे ज़्यादा आपका बेसिक कौन हो जाएगा, 1, राइट, उसके बाद 2, उसके बाद 4 और लास्ट में हो जाएगा आपका 3। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगेन देखो इतना पार्ट सब में कॉमन है, राइट। सब में ये फिनॉल है और ग्रुप लगे हुए हैं तो डेफिनेटली आपसे क्या पूछा जाएगा, एसिडिक का ऑर्डर 1, 2, 3, 4, इसके एसिडिटी का ऑर्डर। तो वेरी सिंपल, ये जो है इसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस एम। ध्यान दें मेटा पोजीशन पे, ये पॉइंट बताया था, मेटा पोजीशन पे कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, तो सिर्फ इसका कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये पैरा पोजिशन पे तो इसका क्या होगा, माइनस एम, और ये हाइपर कंजुगेशन आपका शो करेगा। तो देखो ये अच्छे कंसेप्ट वाला प्रॉब्लम लिया है, तो एसिडिक ऑर्डर में तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे, माइनस एम वाले। अब ये भी माइनस एम है, ये भी माइनस एम है, तो सर कैसे करें, तो जब मेसोमेरिक आपका कॉमन हो जाए, क्योंकि वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट था, तो हमने क्या दिया था, MHI महाराष्ट्र इंडिया में है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस एम अगर सेम हो गया, हाइपर कंजुगेशन तो होने रहे, तो अब हम इंडक्टिव से डिसाइड करेंगे, और इंडक्टिव क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो ये क्लोजर है इसके, तो इसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा आपका, 1, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो कौन आ जाएगा, 3, उसके बाद अगर हम बात करें तो कौन आ जाएगा, 2, क्योंकि उसमें माइनस आई एटलीस्ट, और इसमें तो हाइपर कंजुगेशन है तो ये सबसे पीछे चला जाएगा, डैट इज 4, तो ये ऑर्डर आ जाएंगे। वैसे इसमें एक पॉइंट है कि ऑर्थो पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो उसकी एसिडिटी कम होगी, तो वो हम बात करेंगे, ये सब हम गैस फेज में बात कर रहे हैं। एक्वस सॉल्यूशन में अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट आपको एक आइडिया आया है कि हमें कैसे करना है ग्रुप का इफेक्ट। पहले आपको रेजोनेंस को प्रायोरिटी देना है, अगर रेजोनेंस कॉमन हो जा रहा है जैसा कि थर्ड केस में हो रहा है यहाँ यहाँ पे, तो फिर हमको इंडक्टिव से जाना पड़ेगा। चलिए अब हम कुछ और प्रॉब्लम लिए हैं, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको एसिडिक ऑर्डर पूछा जा रहा है, ये आपका मान लो कि 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, इनका एसिडिक ऑर्डर। तो अब यहाँ पे मैंने जो प्रॉब्लम लिए थोड़ा सा मिक्सअप लिए, ध्यान से देखो ये अल्कोहल है,
ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है, फिनॉल है फिनॉल। तो फिनॉल जो होता है वो ऑलवेज मोर एसिडिक देन होगा अल्कोहल। क्यों? क्योंकि फिनॉल में जब हेच जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और ये रेजोनेंस में जाएगा, जबकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो फिनॉल ऑलवेज मोर एसिडिक होते हैं देन अल्कोहल, ये पॉइंट ध्यान में आपको रखना है। फिनॉल जो होगा आपका वो ऑलवेज मोर एसिडिक देन अल्कोहल होंगे। नाउ अगर इसमें कंपेयर करना हो तो ध्यान से देखो, तो ये आपका फिनॉल हो गया। इस यहाँ तक तो इस तीनों में क्या है, सेम है राइट। यहाँ पे OMe ये ग्रुप आ रहे हैं, यहाँ पे NO2 तो इसका माइनस सेम है, इसका आपको मालूम है प्लस सेम है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, मोमाया से दूर, और ये सब तो अल्कोहल है। तो एसिडिक ऑर्डर में सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, माइनस सेम वाला, आपको ट्रिक बता रखा हूँ। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक 5 हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो मोमाया से दूर होंगे राइट, तो मोमाया से दूर कौन है, 3 वाले, फिर 4 वाले, क्योंकि आपका फिनॉल ऑलवेज मोर एसिडिक होगा अल्कोहल से। नाउ उन दोनों में तो आपको मालूम है कि इसमें तीन तीन क्या लग रहे हैं, प्लस आई, और प्लस आई से एसिडिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ऑल एल्काइल ग्रुप सोच प्लस आई इफेक्ट। तो इसलिए कौन होगा फिर, 1, और फिर हो जाएगा आपका 2। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपको एसिडिक ऑर्डर ही पूछा गया है, तो अगेन आप ध्यान से देखो, तो सब में इतना पार्ट क्या है, कॉमन है राइट। सब में क्या है, फिनॉल है, इतना पार्ट सब में कॉमन है, तो सिर्फ ग्रुप का इफेक्ट देखना है। तो NO2 ध्यान दे यहाँ पे मेटा पोजीशन पे है, तो ओनली माइनस आई, डोंट गिव माइनस एम, मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। Cl माइनस आई, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है राइट, तो हाइड्रोजन मान सकता आप मोमाया से दूर वाले। CH3 तो यहाँ पे प्लस आई, तो अगेन एसिडिक पूछा है, तो सबसे ज़्यादा माइनस आई वाला होगा। आप दोनों माइनस आए हैं तो क्या करेंगे, तो आपको बता रखा हूँ कि जिसका ज़्यादा स्ट्रॉन्गर माइनस आई होगा और NO2 का ज़्यादा होगा, क्योंकि क्यों, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फिर उससे ऑक्सीजन अटैच है, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों मिल करके काफ़ी ज़्यादा खींचेंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा आपका 1, फिर 2, फिर 3, 4, इसी ऑर्डर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने एसिडिक ना पूछ करके पीके ऑर्डर पूछा है, तो हमने बताया था कि अगर पीके पूछा है तो पहले आप एसिडिक निकाल लो, फिर उसका उल्टा कर दो। आप ध्यान से देखो, एसिडिक मैं निकालूंगा, फिर से इतना चीज़ क्या है, सब में कॉमन है, तो एसिडिक हाइड्रोजन यही सब है राइट, फिनॉल ही है, तो यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगा तो मान लेते हैं H। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है राइट, तो ये प्लस एम वाले हो गए। यहाँ पे NO2 तो माइनस एम वाले हो गए, और यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप तो हाइपर कंजुगेशन हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, एसिडिक का ऑर्डर निकाल लूँगा। तो एसिडिक में आपका सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, ये थर्ड वाला राइट, फिर माइनस एम है, तो फिर उसके बाद मोमाया से दूर वाले राइट, डैट इज 1, फिर उसके बाद हाइपर कंजुगेशन वाले डैट इज 4th, एंड लास्ट में कौन आ जाएगा, डैट इज प्लस एम वाले 2। तो ये तो मैंने किसका निकाला है, एसिडिक का, डैट इज के ए का, मुझे किसका चाहिए, पी के ए का, तो क्या करूँगा, उल्टा कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 1, 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ज्ञान की राइट, और डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीन पॉइंट है इसमें, तीनों इंपॉर्टेंट है, कि हैलोजन के केस में, डैट मीन्स Cl, Br, आयोडीन या फ्लोरिन, हैलोजन के केस में चाहे आप एसिडिक ऑर्डर कंपेयर कर रहे हो, बेसिक ऑर्डर या स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो इन सब में हैलोजन के केस में आपका माइनस आई इफेक्ट जो उसका वो डोमिनेट करता है ओवर प्लस एम इफेक्ट। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो प्लस एम क्यों शो करेगा, जैसे मान लो ये OH है और ये Cl है राइट, तो इसके पास लोन पेयर है, तो इसका प्लस एम भी इफेक्ट हो सकता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, माइनस आई इफेक्ट भी हो सकता है। तो आपको कौन सा लेना, कौन सा डोमिनेट करेगा, ऑलवेज माइनस आई डोमिनेट करेगा ओवर प्लस एम, कब कब, जब एसिडिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर और स्टेबिलिटी ले रहे हैं। बट जब हम रिएक्शन के केस में बात करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना होगा, तो फिर इसका प्लस एम डोमिनेट करेगा माइनस आई पे, तो इसलिए ये पॉइंट ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2, डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बेंजोइक एसिड में, सिर्फ उसी में और किसी में नहीं, बेंजोइक एसिड में, डैट मीन्स बेंजीन पे जब C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होगा, बेंजोइक एसिड में जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होता है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है नॉर्मल बेंजोइक एसिड से। तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, ध्यान से देखो, अगर हम अपना जो कंसेप्ट लगाएं, तो ये बेंजोइक एसिड है, ये भी, इसमें ये CH3, इसका हाइपर कंजुगेशन होगा राइट, तो एसिडिक ऑर्डर में ये पीछे जाना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा है,
तो वही ये एक्सेप्शन एक तरीके से कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूट, अगर ऑर्थो पोजिशन पे कोई भी ग्रुप आ जाए राइट, तो फिर वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा आपका नॉर्मल बेंजोइक एसिड से। देखो माइनस एम या माइनस आई वाले होंगे तो वो तो वैसे भी कंसेप्ट से हो रहे हैं, प्लस एम या प्लस आई वाले अगर आ जाते हैं तो भी ये ज़्यादा होगा आपके नॉर्मल वन से। और इसका एग्जैक्टली उल्टा है तीसरा पॉइंट कि अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, एनिलीन के केस में उल्टा होता है, जो आपका नॉर्मल एनिलीन है वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा बेसिक हो जाता है। तो अगेन अगर अगर आप ध्यान से देखो तो इसका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट था, तो इसको ज़्यादा बेसिक होना था क्योंकि ये सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन लेस बेसिक है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। तो ये तीन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हैलोजन का माइनस आई डोमिनेट करता है प्लस एम पे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा नॉर्मल बेंजोइक एसिड से इररेस्पेक्टिव ऑफ ग्रुप, ग्रुप कोई भी हो, और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन वो कम बेसिक होगा नॉर्मल एनिलीन से चाहे ग्रुप कोई भी हो राइट। तो आई होप ये मेरा एसिडिक बेसिक वाला कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। ध्यान दो कि मैं वीडियो लेक्चर में आपको जो प्रॉब्लम देता हूँ या करवाता हूँ वो जस्ट आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, आप इस पर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली आपको इस ट्रिक का फ़ायदा समझ में आएगा। थैंक यू।